आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल ओरिजिनल 100% ओरिजिनल रेसिपी, वो भी अहमदाबाद के बहुत ही फेमस घुंघरा सैंडविच की। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले हम सैंडविच चटनी बनाएंगे। उसके लिए हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे खूब सारा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। 3 पोर्शन आपने हरे धनिए के लेने हैं और 1 पोर्शन पुदीने का लेना है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 क्लोव गार्लिक के, 2 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इससे चटनी का कलर काफी लंबे समय तक ग्रीन रहेगा और उसमें एक शाइन रहेगी। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, इसकी चटनी बना लेते हैं। सैंडविच चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी। 1 बोल में डालेंगे हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज का अनियन बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून हरा धनिया वो भी फाइनल चॉप किया हुआ, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे हम, 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमने 6 ब्रेड की स्लाइसेस ले लेनी है और एक एक करके सभी के ऊपर अच्छे से बटर लगा लेना है। सभी ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगाने के बाद हम लगाएंगे जो हमने सैंडविच चटनी तैयार की है इसे भी अच्छे से इवनली पूरे ब्रेड स्लाइस पे हमें लगाना है। सभी स्लाइसेस पे हम लगा लेते हैं। सभी स्लाइसेस पे हमने सैंडविच चटनी भी लगा ली है। अब हम डालेंगे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर स्टफिंग जो हमने तैयार की है। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे। स्टफिंग के ऊपर हम डालेंगे चीज। मैंने जहाँ पे मोजरीला चीज लिया है, आप कोई भी प्रोसेस्ड चीज डाल सकते हो। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला। हमने 6 में से 4 स्लाइसेस के ऊपर फिलिंग रखी है। अब हम 1 स्लाइस उठाएंगे और ये जो स्टफिंग वाली स्लाइस है इसके ऊपर ही एक और स्टफिंग वाली स्लाइस रख देंगे और ये जो रिमेनिंग स्लाइस है जिसपे हमने स्टफिंग नहीं डाली है उसे हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रख देंगे। सैंडविच एकदम तैयार है। अब हम इन्हें सेक लेते हैं। हम बना रहे हैं तवे पे ही सैंडविच, इसलिए हम तवे को गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे खूब सारा बटर। पूरे तवे पे हम बटर को फैला लेते हैं। फ्लेम आपने एकदम लो ही रखनी है और इसके ऊपर रख देंगे हम सैंडविच जो फिल किए हैं और इसे हम दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं दूसरी साइड पे भी। सैंडविच दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया सिक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार।
बिल्कुल ओरिजिनल अहमदाबाद के फेमस घुंगरा सैंडविच बनकर हो गए हैं तैयार। एकदम मजेदार, माउथ वाटरिंग घुंगरा सैंडविच बनकर हो गए हैं तैयार। देखने में तुझे दिलकश लग रहे हैं, लेकिन खाने में है बहुत ही मजेदार, लाजवाब। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।